good morning students good morning everyone this is dr anurag singh i welcome you on board to the present session of daily current affairs express on india's largest online learning platform that is unacademy so, unacademy ke youtube channel let's crack upsc cse of logo ka athe, students we're going to see some crucial and relevant current affairs from upsc civil services examination point of view plus Plus, we are also going to see it from the point of view of other state service examinations and other competition examinations. But before proceeding ahead, students, uh, let me know if I'm audible and visible so that we may move ahead in today's session. Yes, this is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in uh, offline mentoring and past one and a half years in online mentoring. In UPSC, I've appeared twice for the personality test in my four attempts and four mains. ट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस फॉर थ्री ईयर्स टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग दूपीएससी एस पेरेंट्स टेलीग्राम चैनल स्कोर अनुराग सिंह जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पी डी एफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए एंड मैं एडवाइज करूंगा नाइन्थ जनवरी इलेवन एम यू पी एस सी सी एस सी कॉम्बैक्ट इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट गो ऑन टू पार्टिसिपेट इन इट यूजिंग एंड ऑल्सो विन स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ऑफ टेस्ट होगा एडवांटेजेस ऑफ आइकनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस में तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासेज एंड मॉक टेस्ट मिलेगा Iconic में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम दीज टू That is, it's a one is to one live mentoring type of subscription. Study planner, mains question answer practice, open house with educators. And you can get loans uh, at 0% interest rate for iconic or plus subscription. You 1, 2, 3 year plus and 1, 2, 3 year iconic subscription ke, uh, prices. Use referral code Anurag A-N-U-R-A-G to get a 10% off on these plans and also get my notes. बुकलेट्स एंड पी डी एफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा फॉर द पर्पज ऑफ नोट शेयरिंग यू विल नॉट नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एंड माई नोट्स एंड यू कैन सी द फ्री टेस्ट सीरीज टी ट्वेंटी एंड अभियान ऐप यू कैन सी द टाइमिंग्स एंड पार्टिसिपेट इन इट एंड दिस इज माई अन अकेडमी ऐप प्रोफाइल अनुराग आई एम एस सर्च कीजिए फॉलो कीजिए एंड शाम को साढ़े सात बजे आज We'll be having a uh, this multiple choice question eight to ten MCQs based upon 26 to thirty first December current affairs. So, zarur se participate kijiye, and we'll also have we'll also have doubt clarification session in the same. So, chaliye bar chaltein students. are seven January if I'm not wrong, and today seven January. Today from today the mains examination is starting. UPSC Civil Services uh, examination mains.

प्लस टू मार्क्स एक्स्ट्रा दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन ये देखिए एंड सेकंड थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच इट्स होलिस्टिक अप्रोच टू सर्च फॉर द बेस्ट टू सर्च फॉर एनी क्वेश्चन विच कैन कम फ्रॉम द टॉपिक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच से हम देखेंगे प्रिलिम्स के लिए बहुत एसेंशियल थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन टेक आउट द एटलस टेक आउट जीएस पेपर्स पेपर वन टू थ्री फोर मेन्स सिलेबस टेक न्यूज नोटबुक टेक आउट थ्री फोर कलर पेन्स लेट्स टेक ऑफ इन द करेंट सेशन सबसे पहले कल के न्यूज का एक रिकैप कहानी अब तक हो जाए देखते हैं 6 uh, जनवरी का रिकैप uh, न्यूज का दिस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी हाउ इज इट प्लान पी एम सिक्योरिटी उसमें कौन कौन सी प्लानिंग होती है एंड विच एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन इट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है प्लस इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ये देखिए बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट सेकेंड पॉइंट तो ये यू कैन डीकोड इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द थिंग्स अबाउट द फाइन डिटेल्स अबाउट पी एम सिक्योरिटी नेक्स्ट सेकेंड कजाकस्तान आज कजाकस्तान फिर से नहीं उसमें स्टूडेंट्स कजाकस्तान में प्रॉब्लम चल रहा था एंड राइजिंग एलपीजी प्राइसेज प्रोटेस्ट चल रहे थे आज प्रोटेस्ट और आज न्यूज आया प्रोटेस्ट आगे बढ़ गए हैं सम पीपल है प्रोटेस्ट एंड रशिया ने अपनी तरफ से मोबिलाइज किया है फोर्सेज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेज वे गोइंग टू सी वॉट इज सी एस टी ओ थर्ड पॉइंट तो ये प्रेलिम्स के लिए सी एस टी ओ आज हो जाएगा इंपॉर्टेंट थर्ड नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया का लोकेशन इंपॉर्टेंट नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे कल न्यूज आया था और आज न्यूज आया हाइपरसोनिक मिसाइल हम देखेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है विल नॉर्थ कजाकस्तान कल ही के न्यूज में अटैच हो गया है नया न्यूज आज ये देखिए नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया एंड जापान साइन अ सिक्योरिटी अलायंस अब इसके पहले क्वाड क्वाड वॉज साइन फॉर द इंडो पैसिफिक बेल्ट इसके अलावा ए यूके यूएस वो साइन फॉर द इंडो पैसिफिक बेल्ट और अब ऑस्ट्रेलिया जापान सिक्योरिटी अलायंस बस अब अगले वन वीक में आ जाएगा डिटेल्स का मेंसेंट एंड ये क्लासिकल एग्जाम्पल है डेमोग्राफिक क्राइसिस uh, का क्योंकि ऐसे ये सारे एग्जाम्पल्स डेमोग्राफिक क्राइसिस जहां जहां हुआ है the countries have aging population latvia japan italy negative growth rate of population leading to ethnicity crisis and this is a topic of geography optional population geography next uh, turdal imports turdal arhar hoti hai imports rice kar and we yesterday we saw pulses and oil seeds edible oils we are net importers 10 to 20 percent 10 to 12 percent पल्सेस के इंपोर्ट्स आते हैं हमारे कंजम्पन में लगभग 10 से 12 परसेंट ये इम्पोर्ट से ही आ, ये काम चलता है एंड एडिबल आल्सो इट्स इंपोर्ट्स वी आर डिपेंडेंट अपॉन नेक्स्ट ये देखिए चीता के बारे में न्यूज आया चीता अफ्रीका से चीता बुलाया जा रहा है साउथ अफ्रीका बोथ सुवाना एंड नामीबिया में चीता है द कंट्रीज है हाइएस्ट पॉपुलेशन एंड इंडिया में कूनो पालपुरपुर पालपुर सेंचुरी इन मध्य प्रदेश प्रिलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट तो ये प्रलिम्स के लिए ये तूरदाल वाला भी न्यूज इंपॉर्टेंट है चीता वाला भी न्यूज इंपॉर्टेंट है एंड नेक्स्ट चिल्का लेक का न्यूज आया चिल्का लेक कौन सा बर्ड था जो पहली बार देखा गया देखिएगा बर्ड हैज हैज साइटेड साइटेड इट्स रेयर इट फॉर द फर्स्ट टाइम मंगोलियन गर्ल ये जरूर से नोट कीजिएगा चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स आज सात जनवरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉगरेटेड रॉक्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया डिस्प्लेड ऑन सी एस आई आर एन जी आर आई कैंपस मिनिस्टर ओपन रॉक म्यूजियम आप देख सकते हैं डिस्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ एजेस अरेजिंग फ्रॉम थ्री पॉइंट थ्री बिलियन ईयर टू अराउंड फिफ्टी फाइव मिलियन ईयर बैक तो दैट इज क्लियर कट ये प्री हिस्ट्री और उस दिस आप कह सकते हैं दिस रॉक्स रॉक्स सारा एविडेंस कि पहले क्या हुआ होगा प्रकृति में नेचर में और यही रॉक्स आफ्टर आफ्टर द दिस आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ दिस फॉसिल्स की जैसे फॉसिल्स का एज पता लगाया जाता है वैसी रॉक्स का भी एज पता लगाया जा, जाता है ठीक है एंड थ्रू द कार्बन डेटिंग टेक्निक एंड उसके बाद दीज रॉक्स आर आर वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग अस अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट्स वॉट हैड हैपेंड अपॉन अर्थ यस ये ये देखिए तो पहला रॉक म्यूजियम इंडिया में 3.3 बिलियन ईयर से लेके 55 मिलियन ईयर्स बैक तक जो भी हुआ होगा नेचर में प्रकृति में लाइफ कैसे आई आया होगा लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए होंगे ये सब इन रॉक से पता लगाया गया है And now they are being displayed in the NGRI, National Geophysical Research Institute campus out here. About 46 rocks of different sizes have been displayed in the garden. You can see it here. Ye and this is in Hyderabad. Ye

दिस अर्थ पे लाइफ कैसे इवॉल्व किया इसी में रोल नहीं होता है रॉक्स जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व उसके अंदर रॉक्स अ बिग रोल केव शेल्टर्स डू यू एग्री केव शेल्टर्स ये देखिए ऑल्सो एज बींग यूज एज वेपन्स फॉर किलिंग द एनिमल्स यस ऑल्सो एज यूज एज पेंटिंग्स ये देखिए पेंटिंग्स म्यूरल पेंटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया रॉक्स का बड़े बड़े पेंटिंग्स के लिए तो रॉक्स रॉक्स हैज मीन्स रॉक्स का एक हिस्टोरियन के लिए और एक जियो के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है <laughs> चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगला न्यूज ठीक है नेक्स्ट डिजिटाइजेशन ऑफ पिक्स अप ये देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी हाथ से लिखा गया जो भी डॉक्यूमेंट्स है पहले का उसका डिजिटाइजेशन जगह जगह पे चल रहा है वन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यू कैन कंसीट है So स्लोली चल रहा था ये द डिजिटाइजेशन प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट तिरुपति विच इज कंसिडर्ड रिपोजिटरी डेटा बेस का ट्रेजर है ये ऑफ एंशियट मैनुस्क्रिप्ट इन साउथ इंडिया ये साउथ इंडिया यस संगम काल और उसके पहले के भी ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट एक जगह पे पुटअप किए गए हैं ंस डिजिटाइज ट्वेंटी थाउजेंड मेनोस्क्रिप्ट टाइटल्स विद अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी टू हंड्रेड फोलियोज ईच विल बी मेड अवेलेबल टू द स्कॉलस्टिक कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ फोर लैक डिजिटल पेजेस ये देखिए यस यस ये लेक्चर्स सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है ठीक है तो यह देखिए इस न्यूज को कहां लिंक करोगे स्टूडेंट्स टेलमी क्या यह ई गवर्नेस का भी एग्जाम्पल है टेलमी स्टूडेंट्स ई गवर्नेंस द फर्स्ट थिंग येस सेकेंड पॉइंट डिस सेकंड पॉइंट क्या यह आर्ट एंड कल्चर का न्यूज है आर्ट एंड कल्चर यस लिटरेचर इज नथिंग बट वेरी वेरी क्रेडिबल दिस इनग्रीडियंट ऑफ कल्चर यस कल्चर इज अबाउट एक्सप्रेसिंग आवर सेल्स जब भी ह्यूमन सोसाइटी कहीं एग्जिस्ट करती है वह अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है उसका सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है भाषा लैंग्वेज स्पीकिंग फॉलोड बाय द अदर फॉर्म्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन मीन्स पेंटिंग्स एक्शन ड्रामाज डांसेस एंड ऑल्सो लिटरेचर एंड ये लिटरेचर में पहले मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखे गए थे उन सबको डिजिटाइज किया जा रहा है सो आर्ट एंड कल्चर यू कैन लिंक दिस न्यूज संगम से कुछ आया साउथ इंडिया कल्चर से कुछ आया जरूर से लिंक कीजिएगा एशियंट टाइम्स में इस न्यूज को चलिए आगे पढ़ जाए स्टूडेंट्स तो ये डी कोड इंटरलिंक अप्रोच ई गवर्नेस एंड आर्ट एंड कल्चर रिसेंटली द डिजिटाइजेशन ऑफ मैनोस्क्रिप्टज टेकिंग प्लेस एट और तिरुपति एंड प्रिलेम्स के लिए स्टेट सर्विसेज के लिए स्पेशली इन दर्विज लोकेशन कैन कम वेयर इज दिस ओरिएटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में भी है एक तिरुपति में भी है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट थर्ड न्यूज आज का हिस्ट्री uh, से ही uh, तिरुपति तिरुमला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स एंड रामकृष्ण मिशन आल्सो हैव लॉस्ट अलोंग विद श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट हैव लॉस्ट द एफ सी आर ए नॉट ये देखिए इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया गया है ये देखिए सो वाई एम आई टेकिंग दिस टॉपिक इन हिस्ट्री बिकॉज रामकृष्ण मिशन यूल बी यू विल बी स्टडिंग यू माइट हैव स्टडीड इन कल्चरल रिफॉर्म सुना है आपने मी ये देखिए सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स में आपने स्टूडेंट्स ये रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद एंड मींस अदर अदर रिफॉर्मर्स और वहीं से वहां पे अटैच करना ये न्यूज डी कोडेंटरिंग रिसेंटली रामकृष्ण मिशन लॉस्ट द एफ सी आर नॉट ज अ प्रेरिक्वेज फॉर द एनजीओ टू गेट फॉरन फंडिंग यहां पर क्लियर इट देखिए लिखा हुआ तिरुपति वेंटेश्वर टेम्पल इन आंध्र प्रदेश एंड द रामकृष्ण मिशन आर रजिस्टर्ड एज हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाई द श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट इन शिर्डी फॉल्स अंडर रिलीजियस अदर्स कैटेगरी ये देखिए तो बस इतना काफी है टेन निकाल कर अट, कर में अगर सवाल आया तो ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाए देखिए तीन न्यूज हो गया आज हिस्ट्री से आप हिस्ट्री मैंने ये रॉक म्यूजियम भी उसी में इंक्लूड किया हिस्ट्री में इट्स अ पार्ट ऑफ जियो लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आप प्री हिस्ट्री में पढ़िएगा रॉक्स के बारे में केव शेल्टर के रूप में काम किया वेपन्स के रूप में काम किया अभी सुना होगा माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स आपने सुना होगा ठीक है एंड आल्सो पेंटिंग्स के लिए काम किया ठीक है सो so, रामकृष्ण मिशन एंड श्री uh, साई बाबा संस्थान ट्रस्ट एंड uh, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम दिस इज इट नेक्स्ट न्यूज आई देखते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज से कोई न्यूज नहीं आज नेक्स्ट जीएस पेपर टू थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज कमिंग अप आउट अप्रोन मोर इफेक्टिवली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सारे मिनिस्ट्रीज को चिट्ठी लिखी है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो भाई ड्रोन्स का इस्तेमाल करो सारे मिनिस्ट्रीज को लिखा है कहां कहां आप इस्तेमाल कर सकते हो वेयर कैन यू यूज ड्रोन इन योर ऑपरेशंस uh, ऑपरेशंस हैं आपके आप मैनेजमेंट में कहा इस्तेमाल कर सकते हैं उसने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि यहां यहां आप इस्तेमाल कीजिए उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहा है उसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कहा है उसने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कहा है उसने पंचायती राज को कहा है उसने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये देखिए नाउ यू विल से सर वाई इज दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा यूपीएससी में अगर सवाल पूछ दिया गया एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स ठीक है या एप्लीकेशंस ऑफ पाइलटलेस एयरक्राफ्ट यू कैन कोट दिस ये आपको आंसर मिल गया यहां पे कितनी अच्छी बात है ये बॉक्स में पूरा आंसर आ गया देखिए यहां पे थर्ड आई इन द स्काई ये देखिए पूरा आंसर यहाँ पे ये देखिए

उसने कहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आप यूएवी यानी ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है, आप इस्तेमाल कीजिए वीवीआईपी सिक्योरिटी क्राइम कंट्रोल डिजास्टर मैनेजमेंट उधर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फोन लगाकर वो कह रहा है क्रॉप एंड सॉयल हेल्थ मॉनिटरिंग एंटी लोकस्ट वर्क लोकस्ट आए थे ठीक है वेस्ट एशिया से उनको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके इंश्योरेंस क्लेम सर्वे ये देखिए पंचायती राज को उसने कहा है कि आप इस्तेमाल कीजिए लैंड रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी राइट्स में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को वो कह रहा है आपको खुश होने की जरूरत नहीं है आपको भी काम करना है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में एंटी पोचिंग ऑपरेशन में वाइल्ड लाइफ मॉनिटर करने में इसमें इस्तेमाल करो काम करना है ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है आपने अपने ऑपरेशन में ये देखिए <laughs> अब आप कहिएगा सर वाई हैज दिस दिस ये ड्राफ्ट क्यों रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्यों कि उसने कहा है, अभी मैंने ड्रोन रूल्स 2021 लिबरलाइज हुए हैं सो यूज इट मोर इफेक्टिवली आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इन गवर्नेंस यस यूज ऑफ अनमैंड एरियल व्हीकल्स इन एफेक्टिव गवर्नेंस क्या यह सवाल आ सकता है यूपीएससी में यस yes, ये देखिए क्या बढ़िया सवाल देगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में दिस क्वेश्चन कैन कम अप इन जीएस पेपर टू पेपर टू में लास्ट क्वेश्चन आया हुआ दल रेवल्यूशन ए आई एंड रोबोटिक्स इन गवर्नेंस द सेम क्वेश्चन कैन कम अपट हर use ऑफ unmanned एरियल vehicles एंड ड्रोन in effective governance across the country. टेन marks, वन फिफ्टी वर्ड्स ये देखिए तो ट्राई कीजिएगा लिखने का ट्राई कीजिएगा कमेंट अपॉन द रोल इनिव ग्राइट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन कैन कम अपे देखिए रियल टाइम सर्विलांस हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी ये सब इसके फायदे हैं देखिए यहां लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ ठीक है तो ये दिस बॉक्स यू आर गोइंग टू सी एंड इट विल बी कंप्लीट कुछ और नहीं देखना ये देखिए नेक्स्ट गवर्नमेंट ओकेस ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ इन ग्रीन एनर्जी पोस्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन 2014 मेंस में पूछ दिया था यूपीएससी ने इफ एम नॉट रॉन्ग इन जीएस पेपर थ्री ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये देखिए <coughs> नाम से कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स वो फेज वन था यूपीएससी ने साढ़े बारह नंबर का ये सवाल पूछा था उस साल ये देखिए एंड नाउ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज टू हैज बीन लॉन्च ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये देखिए फेज टू हैज बीन लॉन्च ये देखिए फेज टू एंड इसको इसको और एक नाम देखिए नेशनल क्लीन एनर्जी कॉरिडोर देखिए नाम दिया गया इसको लुक विल सी दिस देखिए द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम देखिए अबाउट टेन थाउजेंड सर्किट किलोमीटर लाइन एंड अराउंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मेगा वोल्ट एम्पियस ऑफ सब स्टेशन कैपेसिटी बी इंस्टॉल्ड टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात हिमाचल प्रदेश कर्नाटका केरल राजस्थान तमिलनाडु एंड यूपी इसका साफ साफ मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी <laughs> यस सोलार विंड जो भी एनर्जी जनरेट हो रहा है उसके मूवमेंट के लिए ट्रांसमिशन के लिए ध्यान दीजिएगा ट्रांसमिशन के लिए उसके स्टोरेज के लिए ये इसका सबसे बड़ा दिस 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 फेज टू जो प्रोग्राम है इसका सबसे बड़ा फोकस पॉइंट यही है ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज पे फोकस एंड मैं बता दूं स्टूडेंट्स यहां पे विच स्टेट्स आर इन्वॉल्व कर्नाटका देखिए यहां पे गुजरात ऑल दीज आर प्रीमियर स्टेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी यस गुजरात हिमाचल प्रदेश ये देखिए नेक्स्ट कर्नाटका ये देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स केरल ये देखिए केरल नेक्स्ट तमिलनाडु नेक्स्ट उत्तर प्रदेश तमिलनाडु उत्तर प्रदेश केरल uh, Rajasthan, have a look. And Kerala and Karnataka, and Gujarat and Himachal Pradesh. Ye one state is missing, which was in the phase one Maharashtra. Ye I hope you got the discussion of this. Uh, why are we discussing this topic? Green energy. India, India has uh, uh, proceeded ahead on an ambitious plan of generating 1.75 gigawatt. र्जी फ्रॉम रिन्यूएबल बाई द एंड ऑफ टू जीरो टू टू और यह ग्रीन एनर्जी जब जनरेट होता है तो जनरेट करके छोड़ नहीं देना है जैसे आप पॉलिटी का पॉलिटी या जैसे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिक पढ़ लिया और उसके बाद साइंस एंड टेक्ट पढ़ लिया पढ़कर छोड़ नहीं देना है लिखना होता है आपको वैसे ही एनर्जी स्टोर करना होता है ट्रांसमिट करना होता है यूटिलाइज करना होता है उसके लिए ये ग्रीन एनर्जी फेज टू प्रोजेक्ट ये देखिए

सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एस सोलर एंड विंड विद कन्वेंशनल पावर स्टेशन इन द ग्रेड अच्छा इसका मतलब है जो है जो स्टेशन उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से भी पुटअप करना है एनर्जी ये देखिए सप्लीमेंट द ग्रेड यस बात समझ में आ रही है तो सप्लीमेंट द ग्रिड क्या आप बताइए मुझे स्टूडेंट दो हजार बारह आपको याद होगा ये ईयर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा ग्रेड फेलियर द कंट्री ग्रेड फेलियर ट्रिप कर गया था ये ग्रिड फेलियर कब होता है स्टूडेंट्स ठीक है सारे स्टेट्स को कोटा दिया गया था कि इतना बिजली विड्रॉ करना है आपको अगस्त का महीना था ठीक है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2012 एंड अगर आप कोटा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते ट्रिप कर जाता है दिस द ग्रिड इन द सेम वे एज योर हाउस अचानक आपने हाई वोल्टेज का कोई इंस्टॉलेशन कर दिया एंड दिस uh, उसने ज्यादा खींच लिया बिजली तुरंत ट्रिप कर जाता है मीटर आपने देखा होगा सो ग्रिड फेलियर द ट्रेन एंड ट्रेन ट्रेन स्टॉप एट लोकेशन द होल नॉर्दर्न ग्रिड वॉज इन गल्फ इन डार्कनेस यस द नॉर्दर्न स्टेट्स इट ऑल बिग्न फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड दैट रीजन द नॉर्द रीजन पूरे स्टेट्स अंधकार में चले गए थे इंडस्ट्री <laughs> बंद हो गया था ट्रेन रास्ते में रुक गई थी गेटिंग द पॉइंट सो दिस वॉज दिस इज इट स्टूडेंट्स तो इसी के बाद से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2013 का शायद प्रोजेक्ट है मुझे याद है ठीक है दिस वॉज लॉन्च वाई टू सप्लीमेंट इप्लाई और डिमांड ध्यान दीजिएगा जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको मिसमैच ना हो जितनी डिमांड चल रही है उतना सप्लाई रहे बिजली का दैट्स इट सो ग्रीन एनर्जी फेज टू देखिए लॉन्च किया गया देखिए आप देख सकते हैं टू फैसिलिटेट ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवेक्युएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी गीगा ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन सेवन स्टेट्स टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बारह हजार करोड़ पांच साल में ये फेज टू कंप्लीट करने की कोशिश की गई

हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो टेल मी वन थिंग क्या भारत सरकार ज्यादा ही फोकस कर रही है स्टोरेज प्लांट्स क्रिएट करने पे लद्दाख में कच्छ में टेल मी वन थिंग इन द चैट बॉक्स आई होप यू एग्री स्टोरेज पे बहुत फोकस है स्टोरेज पे कुछ ज्यादा ही फोकस है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी निकल सकता है आगे चलकर इस टॉपिक से स्टोरेज इन लद्दाख स्टोरेज इन कच्छ ठीक है एंड एक्सट्रैक्शन uh, क्योंकि अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गए काम से कोयला आपको खत्म करना पड़ेगा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा उसकी जगह पे हाइड्रोजन मिशन उसकी जगह पे सोलार विंड उसकी जगह पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दिस एंड ऑल दैट So, ये क्लाइमेट चेंज गोल्स में आप ये पुट अप कर दीजिएगा ऑल्सो पावर सेक्टर में अगर कुछ आएगा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या चल रहे हैं वन व्हाट इज इंपॉर्टेंट वेयर विच सेवन स्टेट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है क्योंकि यही आठ आठ राज्य महाराष्ट्र एड करके दीज एट स्टेट्स आर वेरी फेमस फॉर रिन्यूएबल्स नो अदर स्टेट इज फेमस चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स एंड मिनिस्ट्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा नेक्स्ट न्यूज इन दिस गवर्नेंस में दो न्यूज हो गया आज एक ड्रोन्स ड्रोन्स का तो आंसर ही दे दिया भारत सरकार ने कि ड्रोन्स के क्या क्या, क्या अप्लीकेशन हो सकते हैं एंड एक हो गया ग्रीन एनर्जी पोषिय देखिए नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन द न्यूज कम्स अप रशिया ट्रूब्स टू कजास्तान ऑफ प्रोटेस्टर्स किल्ड आप देख सकते हैं सामने सड़क कजाकस्तान की मिलिट्री सड़क पर है कोल्ड वॉर का दिन याद आ रहा है ठीक है एंड वर्ल्ड वॉर्स के दिन याद आ रहे हैं ये कंडीशन बहुत ही अजीब दिख रहा है पूरे विश्व में परेशानी चल रही है दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रीपिंग इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रीपिंग इन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल नेशंस इन द पोस्ट सोवियत एरा दैट इज कजाकिस्तान ये देखिए पोस्ट सोवियत एरा में एक सबसे स्टेबल रिपब्लिक जो अलग हुआ सोवियत यूनियन से दैट इज कजाकस्तान उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एलपीजी प्राइसेस बढ़ने के कारण जो प्रोटेस्टर्स आए थे उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई और उसके बाद डजन ऑफ़ प्रोटेस्टर्स गेट किल्ड उसके बाद रशिया मोबिलाइज ट्रूप्स ये देखिए रशिया ने मोबिलाइज किए ट्रूप्स कौन से ट्रूप्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सी एस टी ओ ट्रूप ये फाइनेंशियल ये एक्सप्रेस का न्यूज स्क्रीन पर आपके ये देखिए द दे हिंदू का न्यूज और यही देख दिया सी एस टी ओ ऑर्गेनाइजेशन वॉट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ रशियन वर्जन ऑफ नेटो हैव यू हर्ड हैव यू हर्ड ऑफ नेटो मी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये यूएस लेड ग्रुप है रशिया सी एस टी ओ रशिया लेट ग्रुप ये देखिए इनफैक्ट सी एस टी ओ बनाया गया था वेन आफ्टर द एंड ऑफ सोवियत यूनियन द वॉर्स ऑफ पैक्ट एंडेड मी पता है आपको वॉर्स ऑफ पैक्ट के बारे में वॉर्स ऑफ पैक्ट साइन किया था ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत यूनियन के साथ में क्यों जैसे नेटो बनाया गया था वैसे ही पैक्ट कंट्रीज इट अ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है अगर किसी एक देश पर अटैक करेगा यूएस या नेटो तो रशिया पूरा सोवियत यूनियन और बाकी कंट्रीज अटैक कर देंगे सामने वाले पर तो वार्स ऑफ पैक्ट डिजोल्व कर गया आफ्टर सोवियत यूनियन डिजोल्व सोवियत यूनियन लेट ग्रुप था सोवियत यूनियन डिजोल्व किया खत्म हुआ 91 तक में उसके बाद वॉर्सऑफ पैक्ट ऑल्सो उसी को रिप्लेस करने के लिए रशिया ब्रॉटअप सी एस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये देखिए सी एस में पैक्ट हुआ 1992 में इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस ये देखिए हेडक्वार्टर्स मॉस्को रशिया और इसी में इसी ग्रुप में कजाकस्तान भी है इसी ग्रुप में सेंट्रल यूरो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं देखिए यहां पे इट्स सी एस टीओ गोस फॉर एनुअल मिलिट्री एक्साइज कॉल्ड रुबेज ये देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मैं यहां पे ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा इट्स अ मॉडर्न वर्जन ऑफ वॉर्स ऑफ मॉडर्न वर्जन ऑफ वॉरस ऑफ आज आपका होमवर्क है वॉरस ऑफ पैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर पढ़ लीजिएगा कोल्ड वॉर के समय का एक बड़ा ट्रीटी देखिएगा ठीक है एंड uh, इससे किया में देखिए लिखा है दिस इज सफिशियंट इंफॉर्मेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्लियर हुआ ये पॉइंट रशिया लेड ग्रुप तो ये देखिए कौन कौन से कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं आइए देखते हैं सिक्स मेंबर्स हैं नोट कर लीजिए सिक्स मेंबर्स हैं इसमें पहला मेंबर है आर्मीनिया ये देखिए एक तो रशिया रहेगा ही रशिया ये देखिए एक तो कजाकस्तान रहेगा ही कजाकस्तान में कजाकिस्तान में ही मोबिलाइज किए गए ट्रूप्स एक है आर्मीनिया ये देखिए नेक्स्ट किर्गिस्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के ये कहा के देश है टेलमी स्टूडेंट द चैट बॉक्स एंड एंड लास्ट बेलारूस बेलारूस तो रशिया का ही मीन्स रशिया का ही सपोर्ट में खड़ा एक देश है देखिए बेलारूस न्यूज में था वहां द पर्सन हु इज रूलिंग द प्रेसिडेंट टर्न इंटू ऑटोक्रैट कजाकिस्तान न्यूज में है में था ये चार देश तो न्यूज में ऐसी और ऐड कर लीजिए किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान सिक्स दिस क्लियर नो इन द चैट बॉक्स तो क्या आप बोलेगा सर क्या ये न्यूज इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दू सी के मेंबर्स आ सकते हैं देख लीजिएगा Is it clear? So Russia led troops deployed in Kazakhstan, and from this only one news is important: CSTO, CSTO, and CSTO. ठीक है, CSTO Collective Security Treaty Organisation का ये major operation है. सबसे पहला means ये वही बात हो गई. कुछ तो काम मिला. ये देखिए. चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज देखिए नॉर्थ कोरिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल देखिए यहाँ की प्रेसिडेंट को काम ही काम है द पर्सन इज डूइंग हेवी अमाउंट ऑफ वर्क पहले बैलिस्टिक मिसाइल फिर हाइपरसोनिक मिसाइल फिर सबका अनाउंसमेंट भी करना है वर्ल्ड के सामने नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल स्टेट मीडिया रिपोर्टेड ऑन थर्सडे इन द फर्स्ट मेजर वेपन टेस्ट बाय द न्यूक्लियर आर्म नेशन दिस ईयर दो जनवरी फर्स्ट वीक अच्छा न्यूज नहीं लेकर आ रहा है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी एंड अभी टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई नहीं पता है बट बाय डिफॉल्ट ब्लड प्रेशर जरूर हाई हो गया होगा यूपी सॉरी यूएसए के प्रेसिडेंट का एंड जापान के प्राइम uh, मिनिस्टर का एंड साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का तो यूएस जापान एंड साउथ कोरिया ऑल बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया टेस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट दिस न्यूज दिस इज मेकिंग द होल इंडो पैसेफिक बेल्ट सेम एज वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया हमेशा न्यूज में आने वाला जगह अब उसको एक बहुत बड़ा कंटेंटर मिल गया है कॉम्पिटिशन देने वाला ये देखिए इंडो पैसिफिक हमेशा न्यूज में द मिसाइल फायर ऑन वेडनस कैनेडा हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग वॉर हेड ठीक है प्रेसाइसली हिटअ टारगेट सेवन हंड्रेड किलोमीटर अवे अब ये 700 किलोमीटर है अगर इसमें एक शून्य जोड़ दिया जाए यूएस को ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा यहां पर प्रायोरिटी टास्क फॉर स्ट्रेटेजिक वेपन इन नॉर्थ कोरिया फाइव ईयर प्लान जो अनाउंस किया गया सेप्टेंबर दो में पांच साल का प्लान सारे देश करते हैं मींस या तो करते थे फाइव ईयर प्लानिंग या कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया भी करता है बाकी देश डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे ये डेवलपमेंट नहीं ये कर रहा है वेपन्स के लिए वेपन्स के लिए फाइव ईयर प्लानिंग ये देखिए सो हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक दीज वर्ड्स आई टोल्ड यू दिस हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक एंड सबसोनिक स्पीड ऑफ साउंड के कंपेरिजन में इसको कंपेयर किया जाता है स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री मीटर्स पर सेकेंड इन एयर एंड हाइपर दिस सुपरसोनिक का मतलब होता है फाइव uh, टाइम्स तक स्पीड ऑफ साउंड ये देखिए एंड हाइपरसोनिक मीन्स ग्रेटर देन फाइव टाइम्स ये देखिए स्पीड ऑफ साउंड इतनी तेजी से जाएगा यस yes, पता ही नहीं चलेगा ये देखिए एंड सब सोनिक लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इट्स एट ओ क्लॉक दैट्स इट सो हाइपर सोनिक मिसाइल टेस्टिंग हो गई ये

सोवियत रिपब्लिक्स थे ये कंट्रीज uh, एंड uh, ये अलग हो गए रशिया ये सोवियत यूनियन से लिथुआनिया इसमें एक कंट्री है लिथुआनिया पिछले एक साल से न्यूज में चल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एंटी चाइना स्टांस ये देखिए और लिथुआनिया का भी फिर से न्यूज आया लिथुआनिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जिसने ताइवान के ताइवान देश की कंपनीज को अपने यहां बुलाया और कहा कि ताइवान लिखकर ताइवान लिख यहां पर काम करो ताइवान लिख कर काम करो ताइवान कंपनी मींस ताइवान से ये कंपनीज आई हैं तो पहले क्या लिखते थे ये कंपनीज पार्ट ऑफ चाइना वो आईलैंड सेपरेट वही ताइवान का ही नाम रखा था चाइना ने और उसको हम लोग कैप्चर चाइना ने कहा था पहली बार लिथुआन यहां एक छोटा सा देश ताइवान को कह रहा तुम अपना पुराना नाम भूल गए हो क्या अपना पुराना नाम लेकर आओ यहां पर और इस जगह पर अपने ये अपने ये नाम से यहां पे ऑपरेट करो सारी को कहा यूएस ने कहा क्या बात है ये पहली बार कोई देश मेरी तरह यहां पे आगे बढ़ रहा है ये देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम सम कंट्री एज स्मॉल एज लिथान ये देखिए यूएस से बहुत छोटा देश लेकिन देखिए इट्स गिविंग ह्यूज कॉम्पिटिशन टू चाइना यूएस हैज कम आउट इन सपोर्ट ऑफ लिथुआनिया दैट मैं तो अब साथ में रहूंगा इसके लिए देखिए जहां पे चाइना के खिलाफ पे कोई देश खड़ा होगा यूएस बिना पूछे आ जाएगा साथ में तो ना दिस हैज क्रिएटेड ये देखिए लिथुआनिया ब्रोक अब लिथुआनिया को चाइना से क्या दुश्मनी लिथुआनिया का दो, लिथुआनिया एलेज उसने दोष दिया कि चाइना इज क्रिएटिंग टेंशन इन ईस्ट यूरोप चाइना कहां नहीं चला गया ईस्ट यूरोप में भी एक देश को दूसरे देश से लड़वाने की कोशिश कर रहा है ये देखिए सो दिस दिस इज इट इट एंड वॉर लिथुआनिया एंटर्ड नाउ यू कैन सी ऑन द साइड ऑफ ताइवान ऑन द साइड ऑफ यूएसए क्यूज को कहा लिंक करना है लिंक यहां प्रिलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसता है लिथुआनिया इज इट अ बाल्टिक स्टेट यस ये देखिए क्या ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है यस yes, प्रस का ये पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स दैट कोल्ड वॉर में मेंस में आप इसको लिंक कीजिएगा कोल्ड वॉर जो दोबारा शुरू हो गया है चाइना के खिलाफ लिथुआनिया खड़ा है यहां पे चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट एक न्यूज आया 2021 वर्ल्ड फूड प्राइसेस हिट 10 ईयर हाई वर्ल्ड फूड प्राइसेस ये फूड प्राइस इंडेक्स से मालूम चलता है फूड प्राइस इंडेक्स यस मैंने ऑलरेडी ये सिक्स सेवेंथ नवंबर टू जीरो टू जीरो सॉरी टू जीरो टू वन देख, देख लीजिएगा जस्ट दो, दो महीने पहले का न्यूज है ये देखिए दोनों दिन मैंने पढ़ाया था आपको ये ये देखिए फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये देखिए छह सात नवंबर को न्यूज आया था दैट दस साल का सबसे ज्यादा फूड प्राइसेस मींस प्राइस हिट किया है वर्ल्ड का ये देखिए द सेम थ न्यूज हैज़ कम अप उस समय न्यूज आया था ये दिस इन द हिंदू और आज ये न्यूज आया है इन दिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस दैट द सेम न्यूज दैट आफ्टर मीन्स पूरे एविडेंसेस के साथ देखा गया तो वाकई में इट इज द हाइस्ट हाइएस्ट इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस सिंस टू थाउजेंड इलेवन ये देखिए <laughs> तो अब आप पूछिएगा कि सर यहां से सवाल क्या आएगा फूड प्राइस इंडेक्स हु पब्लिश इट इट्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर इट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं डिड द फूड प्राइस इंडेक्स हिट हाइएस्ट इन द टेन ईयर मीन्स हाइएस्ट इन द लास्ट टेन ईयर यस दो हजार इक्कीस में हाइएस्ट हिट किया ये देखिए आई होप यू कॉट द पॉइंट और इसके सब इंडस्ट्रीज देखिए मैंने पढ़ाया था वही देखिए मैंने वही छह सात नवंबर से मैंने मैंने कुछ नहीं किया देखिए मैंने फोटोग्राफ ले लिया उस दिन का पीडीएफ का देखिए यहाँ पे फूड प्राइस इंडेक्स में सीरियल प्राइस इंडेक्स आता है वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स अलग से आता है डेयरी प्राइस इंडेक्स आता है इट कैन कम इन प्रेम्स मीट प्राइस इंडेक्स आता है शुगर प्राइस इंडेक्स आता है देखिए ये सब इंडस्ट्रीज है सब इंडिज सब मीन्स मीन्स इसके अंदर के छोटे छोटे इंडेज ये देखिए होप यू गॉट इट दिस इज दिस आई हैव नॉट आज मैंने नया नी नहीं, नहीं बनाया स्लाइड आई जस्ट टेकन अ पिक ऑफ दर्यर स्लाइड एंड पुट इट आउट देखिए दिस इज द न्यूज फ्रॉम द हिंदू सिक्स सेवन नवंबर ये देखिए तो ये जरूर से प्रिलिम्स के लिए देखिएगा कौन कौन से सब इंडस्ट्रेज है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के देखिएगा यहाँ पे चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जीएसपीपर वन थ्री इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक से कुछ न्यूज आया है द फर्स्ट न्यूज इंडियन एक्सप्रेस जनवरी गुवाहाटी। क्लाउडेड लेपर्ड साइटेड नागालैंड ये अ टीम ऑफ रिसर्चर्स क्लाउडेड लेपर्ड कम लग रहा है डॉग ज्यादा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं ठीक है ये सो so, 3,700 मीटर ऊपर यस इंडो म्यांमार बॉर्डर पे नागालैंड में वन ऑफ द हाईएस्ट आल्टीट्यूड रिपोर्टेड फॉर क्लाउड टिल डेट ये पेड़ों पे रहता है एंड इतना ऊंचा नहीं जाता ये, 3,700 मीटर बहुत हो गया इसके लिए लेकिन अब जा रहा है इसका मतलब है कुछ तो दिक्कत है इसके जीवन को लेकर क्या दिक्कत है बस और कोई दिक्कत हो ना हो क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग द फूड यस हैव लुक द ट्री क्लाइंबिंग क्लाउडेड लेपर्ड नियोफेलिस नेबोजा इट्स अ मीडियम साइज वाइल्ड कैट स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लार्ज वाइल्ड कैट देखिए लार्ज वाइल्ड कैट्स आइए देखते हैं कौन कौन से लार्ज वाइल्ड कैट्स हैं लेट्स वन इज रॉयल बंगाल टाइगर यस ये देखिए सेकेंड इज द कॉमन द स्पॉटेड लेपर्ड सुना है आपने स्पॉटेड आपने देखा सबसे जो कॉमन लेपर्ड होता है वन इज द स्नो लेपर्ड एंड उसके बाद ये क्लाउडेड लेपर्ड ये देखिए ये चार के चार बिग कैट्स पाए जाते हैं एक एकमात्र जगह है इंडिया में दिहांग दिबांग बायोस्र रिजर्व और उसके अंदर एक नेशनल पार्क है ठीक है हांग दिमांग बास्वे ऑल दिस फोर कैट्स आर स्पॉटेड एट डिफरेंट एलिवेशन देखिए इसका चेहरा देखिए इट्स वल्नरेबल चेहरे से ही लग रहा है वल्नरेबल हो गया देखिए द क्लाउडेड लेपर्ड ऑल्सो कॉल्ड द मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड देखिए चार बिग कैट्स टाइगर स्पॉटेड लेपर्ड स्नो लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड उसमें सबसे छोटे साइज का यही होता है इज अ वाइल्ड कैट इनहैबिटिंग डेंस फॉरेस्ट फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ हिमालय फुटहिल्स नीचे हिमालय के फुटहिल्स पर थ्रू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू इन टू साउथ चाइना ऑल्सो ये देखिए एंड uh, बहुत छोटा होता है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ठीक है वल्नरेबल है ये देखिए आई यू सी एन की कैटेगरीज में ये देखिए एंड uh, चेहरा देख के बहुत दया आ रही है इसके ऊपर ये देखिए एंड

ठीक है तो क्लाउडेड uh, लेपर्ड पे सवाल आ सकते हैं प्रलिम्स में इट इनहेबिट्स इट इनहेबिट्स लो एलिवेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ट्रू स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट इट्स वनरेबल ट्रू स्टेटमेंट इज इट एंड अल्पाइन जोन कहां पे तीन हजार से तीन हजार छह सौ मीटर तीन हजार छह सौ मीटर तो स्नो लाइन है उसके ऊपर स्नो लेपर्ड पाया जाता है ये देखिए Snow leopard, leopard बोलेगा तुम मेरे रिज़न में क्या कर रहा है ये ये देखिए, मेरा टेरिटरी है है? तुम यहां क्या कर रहा है? और मैं ये भी बता दू टाइगर रॉयल बंगाल सबसे नीचे नीचे पाया जाता है फॉरेस्ट में सबसे नीचे लेवल पर। रिजर्व एलिवेशन ऑफ फोर थाउजेंड मीटर्स यही चार पांच साल पहले की बात है मीन्स पीपल वर लाइक कैंपिंग इन द स्नो एंड वर सरप्राइज टाइगर आ गया वहां पर उ कम टाइगर किम इट इन दैट रीजन टाइगर बोला शिकार नहीं मिल रहा है नीचे यस इट वॉज ऑल अबाउट नॉट बिंग एबल टू फाइंड द फूड रिसोर्सेज इन द लोअर एलिवेशन दो हजार सोलह में एंड एवरी वन वॉज सरप्राइज भागे लोग वहां से ठीक है uh, सब कैंप वगैरह छोड़कर वहीं पर और एक नई तीन चार ग्रुप में आए थे टाइगर्स वहां पर सो जस्ट इमेजिन कीजिए कितने ऊपर एलिवेशन में ना दिस इज वॉट नेचर नेचर के साथ इंटरवेंशन दिस इज कमिंग आउट द यू कैन हियर चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स तो क्लाउड के बारे में पढ़ लीजिएगा में आ सकते हैं स्टेटमेंट्स एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक सीजनल फ्लक्चुएशन इन डाटर्स मूवमेंट्स बींग मॉनिटर ये देखिए डाटर ये देखिए इसको एक नाम दिया गया है दिस इज द ओरिएंटल डाटर बर्ड ठीक है धूप सेक रहा है आराम से देखिए यहाँ पे ठीक है एंड इट्स अ वाटर बर्ड ऑफ ट्रॉपिकल साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सवाल आता है वॉट इज द ओरियंटल डार्टर ठीक है एक बर्ड है याद रखिएगा इट्स अ लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक है इसका ये देखिए नेक इज वेरी लॉन्ग एंड स्लेंडर पॉइंटेड बीक है इसका ये देखिए एंड इट हंट्स फॉर फिश वैल इट्स बॉडी इज मस्ट इन वाटर यस पानी के नीचे इसका बॉडी होता है एंड इट हंट्स फॉर फिश उसके बाद ये जब मछली पकड़ लेता है ये खाता नहीं है सीधे ये मछली पकड़कर पहले हवा में फेंकता है ये देखिए <laughs> ये हवा में फेंकता है पहले मींस खेलता है पहले मछली को फेंकेगा हवा में उसके टॉस करने के बाद फिर कैच करेगा माउथ से ये देखिए इसका यही एक्शन इसके इसको डिस्टिंक्ट करता है बाकी बर्ड से ओरिएंटल डाटर कहते हैं ठीक है निशाने पर पकड़ता है मीन्स इट इट टॉसिज द फिश इन दैन इट कैच इट इन मिट एयर एंड इसे देखिए इसको एक और नाम दिया गया इट्स स्नेक बर्ड नाम दिया गया क्योंकि इसका, वो स्नेक की तरह दिखता है कभी कभी एंड इसके बारे में आज देखिए न्यूज आया है द हिंदू में सो so, भरतपुर सेंचुरी भरतपुर में क्या है केवला देव घना नेशनल पार्क हैना नेशनल पार्क इन भरतपुर वहां पर स्नेक बर्ड्स आते हैं और इन्हीं स्नेक बर्ड्स को तो अब ट्रैक किया जा रहा है ट्रैक करने का एक तरीका है दिस ट्रैकिंग इज नोन एज रिंगिंग एंड बैंडिंग ये देखिए तो रिंगिंग एंड बैंडिंग ऑफ बर्ड्स इज रिंगिंग एंड बैंडिंग लुक ये देखिए बर्ड रिंगिंग एंड बर्ड बैंडिंग इज द अटैचमेंट ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअली नंबर्ड मेटल अरे नाम नंबर लिख दिया गया ओरिएंटल डाटर नंबर फाइव एक मेटल पे और लगा दिया गया टैग वहां पे ठीक है उसके पैर में उसके पंख में इसको ट्रैक करने के लिए देखिए कहां कहां जा रहा है सो so ये देखिए इंडिविजुअली नंबर्ड मेटल और प्लास्टिक टैग टू द लेग और विंग ऑफ अ वाइल्ड बर्ड टू इनेबल इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड इससे इसके बाद जब इसको रिकैप्चर किया जाता है तो उसके बाद ये कहा माइग्रेट किया है लॉन्गेविटी क्या है मोर्टेलिटी रेट क्या है पॉपुलेशन क्या है फीडिंग बिहेवियर क्या ये सब पता चलता है उस जो अटैच uh, होता है प्लास्टिक या मेटल टैग उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन uh, एक्सट्रैक्ट uh, करने के लिए कुछ ना कुछ दिस सम अदर थिंग्स आर आल्सो यूज्ड ये जहां जाकर बैठेगा वहां से अगर कुछ पार्टिकल्स अटैच हो गए इट टू बी यूज्ड फॉर नोइंग की वेयर हैड इट गॉन माइग्रेटेड दैट्स इट सो दिस इज इट ये देखिए एंड इसके बारे में क्यों ऐसा किया जा रहा है एज अ वॉटर बर्ड ऑफ ट्रॉपिकल साउथ एशिया ओरियंटल टार्टर नेम्ड एज मेलानो जैस्टर हैज अंग एंडर नेक विच लुक्स लाइक अ स्नेक वैन इट स्विम्स एंड डाइव इन टू वॉटर टू कैच अ फिश ये देखिए इट टाई इन द एय एंड देन इट सॉलोज इट ये देखिए यहाँ देखिए इट अ सीनिक फोटोग्राफी कितने लोगों का अवार्ड मिल गया यही फोटो कैच करने में अब ये इज इट बींग डन क्योंकि इनको इनके इनके मूवमेंट्स अब ग्रेजुअली कम हो रहे हैं केवला देवगना नेशनल पार्क भरतपुर में इन ये विजिटिंग अर्लियर इनके मूवमेंट्स कम हो रहे हैं क्यों कम हो रहे हैं कहां जा रहे हैं ये लोग मीन्स क्या ये आर दे डाइंग इन ह्यूज नंबर्स इसी के लिए रिंगिंग एंड बैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है भरतपुर में लेट मी टेल यू ऑन द आई लिस्ट इट्स नियर थ्रेटर देखिए यहाँ पे ये देखिए near threatened this oriental daughter you can see it here so is this clear students tell me prelims <laughs> important information okay so oriental daughter ringing and banding we read today second we read about this vulnerable animal clouded leopard next we read about uh, uh, fao food price index next we read about uh, something called as uh, china u.s lithuania taiwan which यहां पे नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल नेक्स्ट सी कजाकिस्तान की तरफ से उसके अलावा ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज फेज एंड ये देखिए uh, उसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने होमवर्क दे दिया आप लोगों का आप लोगों को आंसर दे दिया ये यूपीएससी का ठीक है एंड नेक्स्ट uh, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन रामकृष्ण मिशन लूजेज एफ सी आर एन नॉट

इसी के साथ एंड करते हैं आज का सेशन एंड आधे घंटे मिलते हैं द कंसेप्टूट्यूब चैनल पर फॉर एडिटोरियल एंड आर्टिकल डिस्कशन टेलीग्राम चैनल स्कोर अनुराग सिंह uh, यहां पे आ जाइएगा पीडीएफ के लिए पीडीएफ मैंने कल कभी पोस्ट नहीं किया रियली सॉरी आई पोस्ट इट टूडे विद इन वन आवर फ्रॉम नाउ दैट्स इट तो नमस्कार जय हिंद लेट्स मीट इन थर्टी मिनट्स एग्जैक्ट टेक केयर स्टूडेंट्स गिव योर बेस्ट टूडे एंड जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेंस दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं अच्छे से एग्जाम दीजिए वो लोग नहीं होंगे इस सेशन में लेकिन मैं ऐसे भेज रहा हूँ अपने गुड विशेष